फाइनली 5 घंटे की देरी के बाद मैं हावड़ा स्टेशन पहुंच गया हूँ। चलो अब देखते हैं क्या मिलता है। वैसे मेरा प्लान था यहाँ पर 6 से 7 घंटे घूमने का, बट ट्रेन लेट हो गई है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जितना स्पॉट कवर होगा मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। सो फिलहाल अभी यहाँ से निकलते हैं। सबसे पहले मुझे लगेज रखना है, सो उसके लिए देखेंगे कि लगेज रूम कहाँ पर है, क्लॉक रूम कहाँ पर है। सो चलिए फटाफट से चलते हैं। भैया थोड़ा जल्दी चलो। सो निकलते हैं स्टेशन से बाहर। स्टेशन काफ़ी बड़ा है, 23rd प्लेटफॉर्म पे मुझे पटक दिया है इसने। चलिए यहाँ से निकलते हैं फटाफट। यहाँ पर वेटिंग एरिया भी दिख जाएगा आपको, जो 23rd नंबर का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर, अगर जिसकी भी ट्रेन आएगी आप यहाँ पर, आपको थोड़ी देर में सामने में दिख ही जाएगा वहाँ पर। आप ये रहा वेटिंग एरिया, यहाँ पर आप बैठ सकते हो अपनी ट्रेन का इंतज़ार करते हुए। फ़िलहाल मुझे तो इंतज़ार है कि मुझे लॉकर रूम मिल जाए, इसकी तलाश में मैं घूम रहा हूँ। चलो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता तो दिख गया है, और ये रहा अपना भारत का झंडा। यहाँ पर लोकल ट्रेन के लिए भी प्लेटफॉर्म्स है, ये जहाँ पर अभी मैं एंटर हो रहा हूँ ये लोकल ट्रेन के लिए है। कैफेज है, चलो यहाँ पूछ लेते हैं। ठीक है भैया। सो मुझे बताया गया है कि मैं जिस साइड से आया हूँ उसी साइड में मुझे जाना है वापस से, वहीं है क्लॉक रूम। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।